आपने अभी इस वीडियो को देखा होगा कि मैं किस तरीके से काउंट करती हुई आगे की तरफ बढ़ रही हूँ। सबसे पहले आपको इस वीडियो की सच्चाई बताऊं, उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त मैं यमुना तट के बेहद नज़दीक खड़ी हुई हूँ। यहाँ पर यमुना नदी है, उधर की तरफ हमारा यूपी सीमा आ जाती है और इधर की तरफ हमारी दिल्ली की सीमा है। मैं दिल्ली वाली साइड पर इस वक्त खड़ी हुई हूँ और बीच में यमुना नदी है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, तो चलिए मेरे साथ मैं आपको इस पूरी वीडियो की सच्चाई बताती हूँ। इस वक्त जिस इलाके में मैं और जिस जगह पर खड़ी हूँ, आप देखिए कि ये जो मिट्टी है ये हल्की हल्की गीली है। मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगी कि उधर की तरफ दिखाए कि ये मिट्टी हल्की हल्की गीली है। और अब मेरे पीछे आइए आप, ये मिट्टी हल्की हल्की गीली है, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट, ये मिट्टी हल्की हल्की गीली है। हालांकि यमुना नदी इस वक्त जो है वो सूखी हुई है, लेकिन जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ तक यमुना का पूरा पानी रहता है, यहाँ तक यमुना का पूरा पानी रहता है। और आप ये ग्रीन जोन देख रहे होंगे, ये जो पूरा नीचे का हिस्सा है यहाँ तक पूरी यमुना पानी से भरी रहती है, पूरी यमुना जी यहाँ पर रहती हैं। और अब ये देखिए आप, ये इस मिट्टी को देखिए आप, ये देखिए, ये है गीली मिट्टी, मतलब यहाँ भी यमुना का पानी होता है। अब मैं आपको ये जानकारी क्यों दे रही हूँ, उसके पीछे का कारण बताती हूँ। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के जैतपुर इलाके में, जहाँ मेरे जस्ट सामने यमुना नदी है और मेरे जस्ट पीछे वो तमाम अवैध मकान आपको दिख रहे होंगे जो मात्र यमुना नदी से 50 से 60 मीटर दूर बने हुए हैं। ये तमाम अवैध मकान हैं जिसका ध्यान सिस्टम की तरफ जा तो रहा है, लेकिन सरकार और राजनेता कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप, मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगी कि ये पूरा शॉट स्टेब्लिश करके दिखाए आपको कि ये मात्र यमुना नदी से 60 से 70 मीटर की दूरी पर है। हालांकि दिल्ली में हर साल बाढ़ आती है और इन लोगों को यहाँ से कहीं शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि ये पूरा इलाका बाढ़ के कारण डूब जाता है। मैं अपने कैमरा पर्सन से दिखाऊंगी कि दिखाए दूर तक, ये मिट्टी भी दिखाए कि किस तरीके से अभी भी ये गीली मिट्टी है। हालांकि हर साल इनको हटाने की तस्वीरें आप लोग ज़रूर देखते होंगे, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं हैं। यमुना के किनारे ये जितनी भी अवैध कॉलोनियाँ हैं, आप देख सकते हैं यमुना के किनारे जितनी भी अवैध कॉलोनियाँ हैं, यहाँ पर अवैध मकानों की बाढ़ सी आ गई है। यमुना के किनारे इन अवैध कॉलोनियों ने सिस्टम पर और कानून नियमों पर तमाम सवाल खड़े किए हैं, सिस्टम की धज्जियां उड़ा के रख दी है। देखिए, हम लोग उस जगह पर मौजूद थे, हम लोग वॉक करके यहाँ तक आए हैं जहाँ पे ये थोड़ा सा ग्रीन जोन आ गया है। इस पूरे नीचे पे यमुना जी होती है और ये पूरा एरिया यमुना के पानी से भरा रहता है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए यमुना सूखी हुई है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भले ही यहाँ पर यमुना सूखी हुई है, लेकिन अगर आपकी नज़र दूर तक जा रही है, कैमरा पर्सन से बोलूँगी कि दिखाए दूर तक, अगर आपकी नज़र जा रही है तो देखिए कि वहाँ पर यमुना
पूरी प्रॉपर तरीके से आपको दिख रही होगी, क्योंकि फिलहाल अभी यमुना का पानी सूखा हुआ है। ये जो पूरा जोन है यहाँ पर यमुना जी नहीं है, लेकिन अगर आप दूर तक देखेंगे तो यमुना भरी हुई है। मेरे जस्ट सामने यमुना नदी है, और मैं कैमरा पर्सन से बोलूँगी कि दिखाए मेरे पीछे वो तमाम अवैध कॉलोनियाँ जहाँ पर मकानों की, अवैध मकानों की बाढ़ सी आ गई है। वो तमाम अवैध मकान आप देख सकते हैं जो कि इन लीगल तरीके से लोगों ने यहाँ पर बनाए हुए हैं। यमुना किनारे आवासीय कॉलोनियों को लेकर बने तमाम नियमों की धज्जियाँ उड़ती हुई नजर आ रही है। आप साफ तौर पर ये नज़ारा देख सकते हैं। अब हम आपको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। हालांकि सरकारी और राजनीतिक सिस्टम भी इन लोगों को रोकने की बजाय उनको सपोर्ट करता है, लोगों को हटाने की बजाय उन्हें सपोर्ट करता है। और मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट का फैसला है कि यमुना के 200 मीटर तक आप कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। और ये जितनी भी कॉलोनियाँ इस वक्त आप देख रहे हैं, ये सारी कॉलोनियाँ अवैध हैं। जी हाँ, हम लोग जैतपुर इलाके में इस वक्त मौजूद हैं और आप ये तमाम अवैध कॉलोनियाँ देख सकते हैं। 200 मीटर तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर अगर हम घूम कर नहीं आए होते तो आप देख सकते थे कि ये जो डिस्टेंस होता, ये 200 तो बहुत दूर की बात है, ये मुश्किल से 60 से 70 मीटर में ही ख़त्म हो जाता। हालांकि बीच में बहुत गैप है, इस कारण से हम बहुत घूम घूम के गए एक मकान तक पहुँचने के लिए। ये देखिए, हालांकि बहुत गैप है, हम लोग उधर के एरिया से आए थे, घूम घूम के, इसीलिए हम लोगों को ज़्यादा टाइम लगा। मैं आपको ये गैप दिखा दूं कि ये बहुत गैप है, इस वजह से शायद हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ये 200 मीटर का जो फासला है वो आराम से तय कर सकता है, लेकिन नहीं, सच्चाई तो कुछ और ही है। अब मैं आपको एक और बड़ी बात बताती हूँ। ये जितनी भी अवैध कॉलोनियाँ हैं, ये जितने भी अवैध मकान हैं, इनके पास बिजली का कनेक्शन है, पानी की सुविधा है, साथ ही इन लोगों के जो यहाँ पर अवैध कॉलोनियों में रह रहे हैं, इन सभी लोगों के पास इनके खुद के राशन कार्ड भी हैं, जिसमें कि सरकार इन लोगों को सपोर्ट करती है और तमाम लोग इस अवैध कॉलोनी के निर्माण में शामिल हैं। अब हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से ये जितनी भी अवैध कॉलोनियाँ यमुना तट के एकदम नज़दीक बनी हुई हैं, आखिर ये कितने पक्के मकान हैं, कितनी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, इसकी सच्चाई हम आपको दिखाएंगे वहीं पर जाके। आप देखिए इन तस्वीरों को। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये है वो पहला मकान जो यमुना नदी से 200 मीटर दूर, क्या बहुत दूर की बात है, 200 मीटर तो बहुत दूर की बात है, मात्र 70 से 80 मीटर की दूरी पर है। और मैंने आपको दिखाया स्टेप्स को काउंट करते हुए, मेरे कदम मात्र 200 से 250 कदम थे मेरे यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है ये कि क्या दिल्ली एमसीडी की नज़र इन मकानों पर अभी तक नहीं गई है, क्योंकि दिल्ली में हर साल बाढ़ आती है और हर साल यमुना का पानी यहाँ तक आता है और ये जितनी भी अवैध कॉलोनियाँ हैं ये सारी कॉलोनियाँ डूब जाती हैं। दूसरा सवाल, इन लोगों को बिजली पानी, इन लोगों के राशन कार्ड तक भी बने हुए हैं, बिजली पानी की सुविधा भी इन लोगों को मिल रही है, क्या सिस्टम और राजनेता इन लोगों के साथ मिले हुए हैं। तीसरा सवाल,
क्या सरकार सो रही है या फिर मिली हुई है इन लोगों के साथ? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो अवैध कॉलोनी है, ये यमुना के 70-80 मीटर के दायरे में बसी हुई है, और बाढ़ जब आती है इन लोगों को यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है, और ये पूरी जो अवैध कॉलोनी है ये बाढ़ के पानी में डूब जाती है। क्या इन लोगों को देखने वाला कोई नहीं है? ऐसे में ये तमाम सवाल जो हैं वो सुलग रहे हैं। आप दिखाइए, हम आपको अभी वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कि कितनी मजबूती से ये जो अवैध कॉलोनी है ये यहाँ पर यमुना के बेहद नज़दीक बसी हुई है। अंत में मैं आप सभी से यही बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर बसे तमाम लोग ना सिर्फ पर्यावरण के नियमों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं बल्कि अपनी जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।